मैं लगा रहा हूँ सीधा 100 नंबर पे फोन पाजी कर दो पाजी, कर रहा हूं बता मैं, सच में कर रहा हूं यार। मैं मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, कल को इसके कोई और उठ के पाजी डिफेमेशन केस भी मारो भाई पाजी। इसके जैसे ना मैं इसके जैसे कम से कम 100 और लोग देख चुका हूं जो सिर्फ उठते हैं और ट्रिगर्ड इंसान गालियां निकालते हैं और वीडियो बन जाती है। ये मिला दिया मैंने 100 नंबर पे फोन, पुलिस सीधा ही मिल गया, लेट्स गो, कट गया भाई। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। आई होप तुम लोगों को आवाज जा रही हो, मैं आवाज बूस्ट करने का ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो सर, मुझे एक कंप्लेंट रजिस्टर करवानी थी सर। कहाँ से बोल रहे हैं जी? सर मैं, एक सेकंड, क्या नाम है जी आपका? सर निश्चय मल्हान, NISCHAY MALHAN। पिता का नाम क्या सर? आपके पिताजी का नाम क्या है जी? विनय मल्हान, VINAY MALHAN। दिक्कत क्या है जी? सर बेसिकली आप YouTube के बारे में जानते होंगे ना, मैं एक लाइक YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, एंड एक कोई दूसरा लड़का है, ये इसका नाम अमित है। ये सर मेरे को एक्चुअली इसने YouTube पे कुछ वीडियोस डाली है जहाँ पे पहले तो ये सिर्फ मेरे को गालियाँ देता था, एंड अब ये बंदा इसने वीडियो बनाई है जिसमें ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा चाकू मार दूंगा तेरे को। सर इससे पहले तो मतलब जब तक गालियां दे रहा था तब तक तो मैंने फिर लाइक कंट्रोल करा, मैंने सोचा कि नहीं कुछ बोलना चाहिए, बट अभी आज तो हद ही पार हो गई, सीधा जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो इसलिए फिर अब FIR करवानी है इस पे। अभी आपके आसपास है क्या ये लड़का? नहीं 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 सर, मैं इसको बिल्कुल जानता भी नहीं हूँ। ये इसका एक चैनल है स्टार अमित नाम का, यूट्यूब पे है, एंड ये मतलब उस पर इसने वीडियो डाली है कि ऐसा चाकू मार दूंगा मैं। आप क्या करते हो सर? मैं निश्चय मल्हान सर, मैं ट्रिगर्ड इंसान नाम का मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस ही बनाता हूँ। वैसे मैं लाइक ओरिजिनली एक इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन अभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाता हूँ मैं। अच्छा, और ये जो लड़का है जो आपको धमकियां दे रहा है ये कहाँ पे रहता है? सर ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसा सच पता नहीं है मेरे को, बस ये ना पिछले 1-2 महीने से मेरे ऊपर ऐसा गालियों वाली वीडियोस बनाई जा रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मतलब दुनिया जहान की जो भी गंदी से गंदी गाली हो सकती है वो इसने मेरे को दी है, एंड अब भी तो आज इसने ऐसा जान से मारने वाली वीडियो बना दिया, तो मेरे को लाइक इतना कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने सोचा आपसे ही कॉन्टैक्ट करता हूँ, मतलब पुलिस को कॉल करके फिर साइबर सेल वगैरह। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारा एक अधिकारी अभी आपके कांटेक्ट में आएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, मैं इसकी सूचना, नियरेस्ट थाना है, नियरेस्ट थाना कौन सा बताइए आप? सर नियरेस्ट थाना पड़ेगा, अच्छा चलिए ठीक है, आपने अपने यहाँ से देख के जो भी मदद होती है मैं अपने यहाँ से करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Holy shit, मैंने कर दिया भाई, मेरे हाथ कांप रहे हैं भाई, मेरी मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पैर कांप रहे हैं लेजिट भाई, बोलते हुए मैंने फर्स्ट टाइम भाई पुलिस से बात करी है, मेरी फट रही थी भाई लेजिट भाई। अब भाई अब तो लगेंगे जोर भाई, देख ना मैं देख, एक हद तक ही इग्नोर किया जा सकता है, पॉइंट यह है कि ऐसे लोगों को एक लेसन मिलना जरूरी है यार। सी लाइक ओ शिट 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 शिट, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, आ रहा है क्या? हाँ हाँ, उठा, उठा। चुप चुप चुप, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी मैं सब इंस्पेक्टर राहुल रावत बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर,
हाँ जी कुहाड़ाना से बात कर रहा हूँ जी 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 हाँ जी सर हाँ जी कौन बात कर रहे हैं निश्चय सर सर निश्चय निश्चय नाम है निश्चय मल्हान अच्छा जी क्या दिक्कत है आपने 100 नंबर मिलाया था भाई साहब सर बेसिकली हुआ क्या है कि यूट्यूब पे एक लड़का है स्टार अमित से इसका नाम है कहाँ बता आपने कहाँ पर यूट्यूब 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 सर सर वो इंटरनेट पे एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब वीडियोस वगैरह डालते हैं वहाँ पे लोग अच्छा जी ठीक है सर तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे खुद का ट्रिगर्ड इंसान नाम से हाँ जी एंड सो ये लड़का क्या सर पिछले एक दो महीने से ऐसा मेरे पे ना गालियों वाली वीडियोस बनाए जा रहा है लाइक गालियों पे गालियां दिए जा रहा था पर मैं ऐसा इग्नोर कर रहा था बट अभी इसने आज जो है वीडियो बनाई है जान से मारने की धमकी अच्छा जी उसमें ये कह रहा है कि चाकू मार दूंगा मैं ये दोस्त आपका नहीं नहीं सर मेरा दोस्त नहीं है मैं जानता भी नहीं है कौन है सर मैं दिल्ली में रहता हूँ अच्छा जी और ये जो लड़का बता रहे हो क्या नाम है उसका सर मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता ये कहाँ का है लेकिन मतलब कुछ लोगों ने बताया है कि ये मध्य प्रदेश का है अच्छा जी हेलो नाम बताइए अगर लड़के का पैसा सर यूट्यूब पे इसका चैनल है स्टार अमित अमित ठीक ठीक है सर ओ शिट ब्रो हाँ मुझे नहीं पता भाई वो उसकी डिटेल वगैरह लिख रहे हैं भाई भाई सीरियस मैटर हो गया भाई साहब आप साइबर में कंप्लेन कराओ ना यहाँ क्यों कर रहे हो लोकेट करके सर तो बेसिकली मतलब मैंने जिनसे बात करी उन सब ने मेरे को यही बोला कि मैं 100 नंबर पे कॉल करूं एंड साइबर सेल से फिर आप ही कनेक्ट वगैरह करवाओगे कब दिया इसने धमकी आपको सर आज दिया है धमकी एंड वो वीडियो भी है मेरे पास अगर आप बोलोगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ अच्छा क्या कह रहे भाई चाह रहे हो आप सर तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इसके ऊपर FIR या जो भी होनी चाहिए वो हो क्योंकि ये कल को सच में मार गया मेरे को मतलब अभी तो यूट्यूब पे बैठ के इंटरनेट पे धमकियाँ दे रहा है कहीं सच में मार दिया तो अरे ऐसे थोड़ी कोई मार देता भाई साहब धमकी देने वाले बथेरे घूम रहे हैं नहीं सर बट मतलब माँ बहन को गालियां देता है मेरे बैठ के आप एक बार सोचो ना मैं आपको मैं तो नहीं मतलब कोई भी बंदा आपको सामने से गाली दे रहा है और दो महीने से गालियां दिए जा रहे हैं माँ बहन भाई बाप किसी को नहीं छोड़ा सबके बारे में गाली दे दी आपके बारे में झूठी बातें बोल रहा है मतलब जाना तो मेरे को साइबर सेल में चाहिए बट मतलब अगर आप लोग करवा सकते हो हेल्प कुछ तो सही है वरना फिर साइबर सेल तक जाना पड़ेगा जी जी तो सर आप FIR वगैरह करोगे इस पर हो जाएगी जी FIR हो जाएगी ये धारा 506 का केस है ओके डेथ टू मर्डर जो होता है वो धारा 506 होता है डेथ टू मर्डर धारा 506 हाँ जी ठीक है और उसने किस चीज से मारने के लिए बोला था आपको सर चाकू से मारने के लिए बोल रहा है सर आपने कौन सी बोली धारा 506 हाँ जी 506 लगी है ठीक है वेपन वगैरह के लिए ये सेक्शन 25 भी लगा देंगे ठीक है सेक्शन 25 भी लगेगा क्योंकि चाकू से इसने मारने की धमकी दी है अरे वेपनरी में ना उसको डाल देते हैं ठीक है हाँ सर मतलब मैं तो चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी जो भी पनिशमेंट इस पे हो वो ली जाए जी जी सर तो मैं बस सर ये कह रहा था कि अभी हमने काफी ऑडियंस को प्रैंक कर लिया है
ओके गाइस, दिस वाज अ प्रैंक, दिस इज बजाज भाई, एंड काफी लोगों को चैट में ऑलरेडी पता चल चुका है, बट जिनको नहीं चला है, यू गाइस वर प्रैंक्ड भाई, 1,36,000 भाई, 1,36,000 लोगों को लाइव प्रैंक किया है भाई, एंड आई एम प्रिटी श्योर एटलीस्ट 80% तो प्रैंक हुए हैं, तुमको नहीं पता था, अब बोल लो तुमको पता था, पिछले 1.5 घंटे से मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ, गुस्से में होने की एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि ये प्रैंक सक्सेसफुली हो सके, तुम सब प्रैंक हुए हो, यू हैव टू एक्सेप्टेड मैन, लेट्स गो भाई, बेस्ट प्रैंक है बताए भाई, बेस्ट प्रैंक एवर था यार ये। कैसा रहा भैया, एक्टिंग ओपी, नॉट फेयर यार, ओ सॉरी यार, सारे एक दूसरे क्रिएटर्स को प्रैंक करते हैं, यू गाइस हैव टू एक्सेप्ट इट, तुम गुस्सा हो या कुछ भी हो, बट ये नेक्स्ट लेवल का प्रैंक था, एंड तुमको क्या लगा भाई, ऐसे कल के आए छपरी चिरांद लौंडे मेरे बारे में दो बातें बोल देंगे तो उस पे उठ के मैं सच में पुलिस केस कर दूंगा, मैंने देखो अपना ट्वीट करके अपना फर्ज निभा लिया, अब आगे यूट्यूब के ऊपर है, अगर यूट्यूब ने इसका चैनल टेक डाउन कर दिया, इसकी वीडियोस डिलीट कर दिया, जो भी यूट्यूब करता है वो उनके हाथ में है, मुझे देखो मैंने पर्सनली एक बात पहले भी बोली थी, ना ही मैंने आज तक किसी को स्ट्राइक मारी है, ना ही कभी मारूंगा, मैं चाहता तो पायल जोन पे भी बहुत सारी स्ट्राइक्स मार सकता था डेफामेशन की, नहीं मारी क्योंकि वो अपनी पर्सनल मर्जी थी, अपन चिल लौंडे है भाई, अपने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रैंक हुआ है भाई तुम लोगों को मानना पड़ेगा, आई ऑलमोस्ट डाइड लिख रहा है, बेस्ट प्रैंक एवर ब्रो, इट्स टू गुड, थैंक यू बजाज भाई, ओके यहां पर जो दो